गुड मॉर्निंग एवरी वन, वेलकम टू सस्तिक एजुकेशन कैंपस। आज हम स्टैंडर्ड लेरी नर्सरी में सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश है। तो बच्चे आज का टॉपिक क्या है हमारा, कैपिटल लेटर जेड। ओके, तो बच्चे यहाँ तक हमारे कैपिटल लेटर्स कंप्लीट हो जाएंगे ए टू जेड, फिर उसके बाद हम कंप्लीट ए टू जेड लिखेंगे। ठीक है, तो आपको भी अच्छे से सारे लेटर्स अच्छे से प्रैक्टिस करनी होगी। पहले के लेटर्स आपको नहीं आते, उस पर भी आपको प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, चलिए आज हम लिखेंगे जेड फॉर जीरो भी होता है, जेबरा भी होता है, जिप भी होता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर जीरो की पिक्चर बनाई और यहाँ पर जीरो की स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, जेड ई आर ओ जीरो। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पहले क्या करेंगे हम बच्चे, जेड में स्लिपिंग लाइन करेंगे, फिर यहाँ से हम स्लेंटिंग लाइन करेंगे, उसके बाद फिर स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा जेड फॉर जीरो। ओके, स्लिपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, जेड फॉर जीरो। ठीक है, तो इस तरीके से आपको टू थ्री टाइम्स कैपिटल जो जेड मैंने यहाँ पे लिखा है उस पर आपको ट्रेस करना है। ठीक है, चलिए अब हम आगे करते हैं। अब हम पहले ट्रेस करेंगे, उसके बाद हम डॉट से सीखेंगे। ठीक है, तो पहले आपको करनी है स्लिपिंग लाइन रेड लाइन के ऊपर, फिर स्लेंटिंग लाइन थ्री लाइन्स के अंदर, फिर स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा जेड फॉर जीरो, स्लिपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, जेड फॉर जीरो। ओके, स्लिपिंग लाइन, स्लेंटिंग लाइन, स्लिपिंग लाइन, जेड फॉर जीरो। तो आपको अच्छे से लाइन में पूरा कंप्लीट थ्री लाइन्स में जेड कंप्लीट करना है। ठीक है, जेड फॉर जीरो। ओके, चलिए आगे करते हैं। पहले हम ट्रेस पे पूरा अच्छे से ट्रेस करेंगे, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। जीरो भी होता है और जेबरा भी होता है। ठीक है, चलिए ये वन लाइन आपका होमवर्क है, दूसरे आप डॉट से करेंगे। तो आपको वन टू थ्री फोर डॉट ऐसे कर देने। तो पहले स्लिपिंग लाइन डॉट से डॉट मैच करके, फिर स्लेंटिंग लाइन, फिर स्लिपिंग लाइन। तो ये बन गया हमारा जेड फॉर जीरो। फिर से हम वैसे करेंगे जेड फॉर जीरो, और डॉट से अच्छे से डॉट को मैच करना है। देखो इस तरीके से जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, चलिए आगे करते हैं हम, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, और ये लाइन आपका होमवर्क है। तो बच्चे इस तरीके से आपको नोटबुक में अच्छे से जेड से जेबरा सीखना है, पूरा कंप्लीट पहले ट्रेस करना है टू टाइम्स बिग जी जेड पे, उसके बाद ट्रेस जो मैंने बनाई थी टू थ्री लाइन्स उस पर आपको ट्रेस करना है, और डॉट से आपको अच्छे से मैच करके जेड फॉर जीरो अच्छे से सीखना है। पहले के लेटर आपको सब अच्छे से सीखने हैं। ठीक है, तो नोटबुक में हमारा कंप्लीट होता है, अब हम अपनी वर्कबुक पर करेंगे। ओके, तो देखो बच्चों आपकी बुक कौन सी, ये वाली प्रिंट कैपिटल लेटर्स। ओके, ये आपकी वर्कबुक है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें टेक आउट पेज नंबर 71 इन योर वर्कबुक। ओके, तो यहाँ पे देखो जेड फॉर जेबरा मैंने अभी एडिट करा था, तो आपको भी यहाँ पे पिक्चर दीगी बुक के अंदर, और मैंने जेबरा की स्पेलिंग लिखी है। ठीक है, जेड ई बी आर ए जेबरा, और जेड फॉर जीरो, जेड ई आर ओ जीरो। तो ये कौन सा जेड है बच्चा, हमारा कैपिटल जेड। ओके, चलिए स्टार्ट करते हैं। इसमें भी हमको ट्रेस बताया गया, वैसे नोटबुक मैंने बनाई थी, और आपको अच्छे से इसमें ट्रेस करना है जैसा हमने नोटबुक में होमवर्क करा है, वैसे ही आपको वर्कबुक में करना है। ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, और साथ में आपको जो भी लेटर आप लिखो आपको साथ में बोलना है। ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, टू लाइन मैंने बता दी, दूसरा आपका होमवर्क है। अब हम डॉट से करेंगे, तो डॉट से अच्छे से मैच करके बुक में आपको अच्छे से कंप्लीट करना है। ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, चलिए आगे करते, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ठीक है, और ये लाइन आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 71 हमारा यहाँ पर कंप्लीट होगा। अब हम करेंगे पेज नंबर 72 पे, उसमें भी हमको जेड दिया गया। ठीक है, टेकआउट पेज नंबर 72। ओके, इसमें भी हम लिखेंगे, पहले ट्रेस करेंगे जेड फॉर जीरो। तो आपको भी अच्छे से ट्रेस पे पेंसिल कंप्लीट चलानी है। ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो। ओके, चलिए आगे करते हैं। तो आपको टू लाइन्स बच्चों यहाँ पे दी गई थी, दूसरी मैंने बनाई है ट्रेस और डॉट से, आपको भी इस तरीके से बनानी है। ठीक है,
जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, ओके, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, ठीक है। तो ये लाइन आपका होमवर्क है वन लाइन। उसके बाद हम डॉट से करेंगे, तो आपको डॉट से अच्छे से मैच करना, जितने आप पेजेस लिखोगे उतनी आपकी राइटिंग अच्छी होगी, ठीक है। जेड फॉर जीरो, 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 ठीक है, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, जेड फॉर जीरो, ठीक है। तो यहाँ पे बच्चों हमारी ये लाइन्स कंप्लीट हो गई, ये लाइन आपका होमवर्क है। तो पेज नंबर 71-72 पे अब आज हमने सीखा है जेड फॉर, जेब्रा भी होता है, जीरो भी होता है, जिप भी होता है, ठीक है। तो अच्छे से आपको सारे लेटर्स ए टू जेड कंप्लीट अच्छे से सीखने हैं, और नोटबुक में अपने आप राइट डाउन करने बिना डॉट के भी आपको आना चाहिए, ठीक है। अब आप बड़ी क्लास में आगे जाके जूनियर के जी में आ जाओगे तो आपको डॉट के बिना भी आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे हमारी वीडियो कंप्लीट होती है, ये आपका सेम होमवर्क है, पहले का होमवर्क बाकी वो भी आपको कंप्लीट करके रखना है, ठीक है। सो थैंक यू सो मच बच्चों, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।